तो दोस्तों आपके सामने खड़ी है 2024 मॉडल हीरो की स्प्लेंडर प्लस ब्लैक एंड एसेंट कलर है, जो ऑल ब्लैक कलर है। तो गाइस इसी बाइक के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाले हैं कि 2024 मॉडल हीरो की स्प्लेंडर प्लस ऑल ब्लैक कलर में आपको क्या क्या फीचर्स मिलता है, क्या स्पेसिफिकेशंस है, कितनी इस बाइक की ऑनरोड प्राइस होने वाली है, कितनी आपको माइलेज मिलती है, आपके लिए बाइक कितना बेस्ट होगा, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर आप इस बाइक को लेने की प्लान कर रहे हैं या लेने वाले हैं तो इस वीडियो साथ लास्ट तक बने रहेगा। तो वीडियो के लास्ट तक इस बाइक से जुड़ी सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए, जिससे आप आने वाली वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हीरो स्प्लेंडर प्लस जो ऑल ब्लैक कलर है, इसका जो साइड प्रोफाइल है कुछ ऐसा निकल कर आती है। यह बाइक जो ब्लैक कलर में है काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में, काफ़ी क्लियर लुक के साथ यह लग रही है। यहाँ पे आप देखने को इसके फ्यूल टैंक पे आपको यहाँ पर हीरो की जो ब्रांडिंग मिली है यहाँ पर स्टिकर में आपको मिल जाती है, और टूल बॉक्स पे आपको यहाँ पे दोनों साइड में प्रोग्राम एफआई की आपको ब्रांडिंग मिलती है, पावर स्टार की आपको यहाँ ब्रांडिंग मिलती है, और इंजन जो आपको मिली है ब्लैक कलर में यहाँ पर इंजन भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। और साइड प्रोफाइल में आप देखें तो आपको यहाँ पर स्प्लेंडर प्लस की आपको जो ब्रांडिंग मिली है 3D में यहाँ पे दिया गया है, i3s की ब्रांडिंग मिली है, जैसा कि ये i3s वर्जन है, और रियर साइड में इस की लुक निकल के आती है। अब बात की इस बाइक के फ्रंट प्रोफाइल की, तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस बाइक का जो फ्रंट लुक है कुछ इस तरह निकल कर रहती है। बाइक काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में ब्लैक कलर में। यहाँ पे आप देखें तो वाइजर पे आपको यहाँ पर हीरो स्प्लेंडर प्लस की आपको जो ब्रांडिंग मिलती है यहाँ पर स्टिकर में देखने को मिल जाती है, और जो टर्न सिग्नल आपको मिल रही है यहाँ पे येलो कलर में आपको बल्ब वाले इंडिकेटर आपको मिलती है फ्रंट और रियर दोनों साइड में, जो काफ़ी बढ़िया लगे देखने में। और हेडलाइट की बात करें तो गाइस इसमें आपको जो हेडलाइट का सेटअप मिलता है यहाँ पर स्क्वायर शेप में आपको मिल जाती है, जैसा कि रेगुलर इस बाइक में आपको देखने को मिल जाती है। हेलोजन सेटअप साथ आपको यहाँ पर हेडलाइट की सेटअप मिल रही है, जो काफ़ी बढ़िया आपको थ्रो मिलने वाली है। और अब बात करें इस बाइक की फ्रंट सस्पेंशन के बारे में, तो गाइस इसमें आपको जो फ्रंट में सस्पेंशन मिलती है टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक टाइप के यहाँ पे सस्पेंशन आपको फ्रंट में मिल जाती है। ब्रेकिंग की अगर बात करें तो ब्रेकिंग आपको जो मिलती है इस बाइक में 130mm का ड्रम ब्रेक का सपोर्ट आपको फ्रंट में मिल जाती है, और IBS ब्रेकिंग आपको लगी मिलती है। फ्रंट में आपको जो व्ही साइज मिलती है 18 इंचेस का व्ही साइज दिया गया है, जो आपको टायर मिलती है 18x100 18 इंचेस का आपको यहाँ पर ट्यूबलेस टायर लगी मिलती है, जो काफ़ी बढ़िया प्रोफाइल आपके यहाँ पर मिल जाती है। और जो अलॉय व्हील का कलर आपको मिलता है इसमें ब्लैक कलर में आपको मिल जाती है, और फेंडर के दोनों साइड में आपके यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, जो काफ़ी बढ़िया लगती है देखने में। और अब बात करेंगे इस बाइक के रियर सस्पेंशन और ब्रेकिंग के बारे में, तो गाइस रियर में आपको सस्पेंशन इस बाइक मिलती है 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एडजस्टर आपको लगी मिलती है, जिसे आप अपने अकॉर्डिंग 5 स्टेप तक एडजस्ट कर सकते हैं, जो काफ़ी बढ़िया सस्पेंशन आपको हीरो ऑफर करती है रियर में भी। और रियर में आपको जो ब्रेकिंग मिलती है 130mm का ड्रम ब्रेक का सपोर्ट आपको रियर में भी मिल जाती है, और जो आपको टायर लगी मिलती है रियर में 18x100 18 इंचेस का आपको यहाँ पर ट्यूबलेस टायर लगी मिलती है। तो इस तरह से इसकी रियर सस्पेंशन और ब्रेकिंग निकल के आती है। फ्यूल टैंक की तरफ आए तो गाइस यहाँ पे आप देखें तो इसमें आपको जो फ्यूल टैंक लगी मिलती है 9.8 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। इस तरह से आपको यहाँ पे टैंक लगी मिलती है E20 की आपको यहाँ पे ब्रांडिंग मिली है। फ्यूल फिलर जो आपको मिला है यहाँ पे ब्लैक कलर मिलती है, इस तरह से यहाँ पे दिया गया है। हैंडल बार के बारे में बात करें तो इस तरह से आपको यहाँ पे हैंडलिंग मिल जाती है हीरो स्प्लेंडर प्लस में, क्रोम हैंडल बार आपको मिल जाती है। कंट्रोल्स की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो राइट साइड में आपको यहाँ पर पासिंग लाइट का स्विच, इंडिकेटर हॉर्न का स्विच दिया गया है, और राइट साइड में आपको यहाँ पर i3s ऑन ऑफ करने का स्विच, यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट का सपोर्ट आपके यहाँ पे मिल जाती है। और मीटर कंसोल की बात करें तो इसमें आपको जो मीटर कंसोल मिलती है एलॉय मीटर आपको मिल जाती है, इसमें आपको डिजिटल मीटर देखने को नहीं मिलता है। तो इसमें आपको जो मीटर कंसोल मिलती है स्पीड मीटर के लिए और फ्यूल इंडिकेशन के लिए एलॉय मीटर आपको यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर आपको साइड स्टैंड की आपको यहाँ पर वार्निंग मिल जाएगी, तो मैं इसे ऑन करके आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर आपको i3s की आपको यहाँ पर इंडिकेशन मिल जाएगी, चेक इंजन लाइट, न्यूट्रल लाइट, यहाँ पर टर्न सिग्नल आपको इस तरह से इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। अगर आप साइड स्टैंड लगा देंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह से साइड स्टैंड की आपको यहाँ पे वार्निंग मिलेगी। तो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाती है, और फ्रंट में USB चार्जिंग पोर्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाती है, जो काफ़ी बढ़िया बात है। फ्रंट में आपको यहाँ पे USB चार्जिंग पोर्ट भी मिल रही है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे मीटर कंसोल मिलती है, सिंपल एनालॉग मीटर आपको मिल जाती है इस बाइक में। सीट की तरफ है तो गाइस यहाँ पे आप देखें तो इसमें आपको जो सीट लगी मिलती है सिंगल सीट आपको लगी मिलती है, काफ़ी कंफर्टेबल इसमें सीट मिल जाती है। जो सीट हाइट आपको मिलती है 785mm का आपको सीट हाइट मिल जाती है, कुशनिंग आपको अच्छी खासी इस बाइक में मिल जाती है। और गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस बाइक का जो रियर प्रोफाइल है कुछ इससे निकल के आती है। जो ग्रैब हैंडल्स मिलता है यहाँ पे कैरियर वाले आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स मिल जाती है, जैसा कि रेगुलर इस बाइक में आती है। और टेल लाइट आपको जो मिल रही है बल्ब वाले टेल लाइट आपको मिलती है, स्क्वायर शेप में आपको यहाँ पर मिल जाती है। टर्न इंडिकेटर आपको जो रियर मिलती है बल्ब वाले इंडिकेटर आपको रियर में भी मिलती है, जो कि येलो कलर में आपको मिल जाती है। तो इस तरह से इसकी रियर प्रोफाइल निकल के आती है। सो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस बाइक का जो लेफ्ट साइड प्रोफाइल है कुछ ऐसा निकल के आती है। फ्यूल टैंक पे आप देखें तो हीरो की आपको जो ब्रांडिंग मिली है यहाँ पे स्टिकर में दिया गया है, यहाँ पे स्प्लेंडर प्लस की आपको यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाती है, जो कि आपको यहाँ पे 3D मिल जाती है। अब बात करेंगे इस बाइक के इंजन स्पेक के बारे में, तो गाइस इसमें आपको जो इंजन मिली है हीरो स्प्लेंडर प्लस में 97.2 cc का सिंगल सिलेंडर BS6 फेज 2
प्रोग्राम एफआई आपके यहाँ पे इंजन मिल जाती है जो मैक्स पावर जनरेट करती है 7.91 बीएचपी की पावर जनरेट करती है एट 8000 आरपीएम पे आपको मैक्सिमम पावर मिल जाती है। मैक्स टॉर्क की अगर बात करें तो इसमें आपको जो मैक्स टॉर्क मिलेगी 8.05 न्यूटन मीटर की आपको टॉर्क मिलेगी एट 6000 आरपीएम पे आपको मैक्सिमम टॉर्क मिल जाती है। और जो इसमें आपको गियर बॉक्स ऑफर किए जाते हैं 4 स्पीड गियर बॉक्स आपको यहाँ पर मिल जाती है और इंजन पे आपको हीरो की ब्रांडिंग मिलती है दोनों साइड में और इस तरह से आपको फुटपैक्स मिलती है रबड़ और मेटल का आपको मिक्सिंग मिल जाती है। रियर में साइड गार्ड कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे मिल जाती है। सो गाइस ये हो गया इस बाइक के फीचर और स्पेसिफिकेशंस की बात। अब बात करते हैं इसके डायमेंशंस के बारे में। तो इस बाइक का जो कर्वेट आपको मिलता है 112 kg का इसका कर्वेट दिया गया है। सीट हाइट की बात करते हैं तो इसमें आपको जो सीट हाइट मिलती है 785 mm का सीट हाइट दिया गया है। ग्राउंड केस जो आपको मिलती है हीरो स्प्लेंडर प्लस में 165 mm का आपको इसमें ग्राउंड केस मिल जाती है। ओवरऑल लेंथ आपको जो मिलती है इस बाइक की 2000 mm का ओवरऑल लेंथ दिया हुआ है। विड्थ की अगर बात करें तो इसमें आपको जो विड्थ मिलती है 720 mm का आपको विड्थ जाती है और व्हील बेस जो आपको मिलती है इस बाइक में 1236 mm का आपको व्हील बेस आपको मिल रही है। सो गाइस अब बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में। तो हीरो स्प्लेंडर प्लस जो ब्लैक है एसेंट एडिशन है इस बाइक का जो ऑनरोड प्राइस पड़ेगा आपको वाराणसी में लगभग आपको 94,000 से 96,000 के बीच में यह बाइक कंप्लीट आपको मिल जाएगी। यह प्राइस एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट प्राइस के लिए आप हीरो शोरूम में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं क्योंकि प्राइस वेरिएबल होता रहता है सभी सिटीज और स्टेट में। माइलेज की अगर बात करें तो माइलेज आपको काफ़ी अच्छा खासा इसमें माइलेज देखने को मिल जाता है। लगभग 60 से 65 km/h की यह बाइक माइलेज निकाल के देती है जो कि फर्स्ट सेगमेंट यह बाइक है 100 cc की जिसमें आपको अच्छी खासी माइलेज मिल जाती है और नंबर 1 पोजीशन पे यह बाइक बनी हुई है अभी तक जो बेस्ट सेलिंग बाइक में से एक है हीरो की हीरो स्प्लेंडर प्लस। सो गाइस ये रहा हीरो स्प्लेंडर प्लस 2024 मॉडल ब्लैक एंड एसेंट एडिशन का डिटेल रिव्यू जिसमें हमने आपको बता दिया कि इस बाइक में आपको क्या फीचर्स ऑफर होते हैं, कितनी प्राइसिंग रहने वाली है, सारा जानकारी इस वीडियो में दे दिया है। सो गाइस कैसा लगा वीडियो, कैसी लगी बाइक कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई बाइक के साथ किसी नए रिव्यू में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑन कर लें जिससे आप आने वाले वीडियो को मिस कर सकें।